से है जहां पर पूर्व सीएम की सुरक्षा में चूक का एक मामला सामने आया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के मंच पर एक शख्स पहुंच गया और पूर्व सीएम की तरफ बढ़ रहा था यह शख्स और सुरक्षा कर्मचारी ने इसे पकड़कर नीचे खींचा। दरअसल माधवगंज में शिवराज सिंह चौहान की एक चुनावी सभा थी और इस चुनावी सभा के दौरान एक शख्स मंच पर आ चढ़ा और तेजी से सीएम की पूर्व सीएम की तरफ बढ़ने लगा और अचानक उसने जब सीएम को छूने के लिए किसी इरादे से हाथ बढ़ाया तब तक पीछे से आए सुरक्षा कर्मचारी ने उसे खींचकर मंच से नीचे उतार दिया। सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला। अब ये चूक है या फिर सुरक्षा में ये मुस्तैदी है, क्योंकि मंच तक तो वो शख्स पहुंच गया था लेकिन पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तक उसके हाथ नहीं पहुंच पाए। उससे पहले ही सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे खींच कर नीचे उतार लिया और तस्वीरें आप देखिए, ये जो लाल घेरा जिसके अंदर से एक शख्स निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो पूर्व सीएम शिवराज की तरफ हाथ बढ़ा चुका था और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान तक हाथ पहुंचने ही वाला था कि तभी सुरक्षा कर्मचारी ने पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। और बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। शाम 5 बजे पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और श्री रामलला के दर्शन के बाद बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। अयोध्या के जन्मभूमि पथ से लता मंगेशकर चौक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है और रोड शो को लेकर सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि के वीआईपी गेट नंबर 11 को सजाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और श्री रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद रोड शो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में ये रोड शो होगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पथ से लता मंगेशकर चौक तक प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो होना है और इस रोड शो को लेकर सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि के वीआईपी मार्ग गेट नंबर 11 को सजाया गया है पूरी तरह से और इस साज सज्जा के बाद आज का जो ये रोड शो होगा बेहद भव्य रहने वाला है, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे यहाँ रोड शो के लिए पहुंचेंगे, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के बाद वे रोड शो में हिस्सा लेंगे। आज अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में प्रदर्शन यहाँ पर रोड शो होगा और ये जो प्रचार का रोड शो होना है इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा जिसमें अब कैंडिडेट के पास, प्रचार करने वालों के पास सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन करने का ही मौका होगा। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। 7 मई को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बैतूल लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव होना है। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, ये वो 7 सीटें हैं जिस पर कि 7 मई को तीसरे चरण में और आखिरी चरण में छत्तीसगढ़ के मतदान होगा। 4 जून को इसके नतीजे आएंगे जबकि मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटें तीसरे चरण में यहां पर वोट डाला जाना है और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण यानी 7 मई को 7 सीटों पर ये आखिरी चरण का मतदान होगा जबकि मध्य प्रदेश में ये तीसरे चरण का मतदान होना है। और आपको बता दें कि 9 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की, 7 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ की जिस पर कि तीसरे चरण में वोट डाला जाना है। और छत्तीसगढ़ में प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी। बीजेपी जेपी नड्डा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर आई है यहां, जहां छत्तीसगढ़ के दौरे पर ये दोनों बड़े नेता रहेंगे। जगत प्रकाश नड्डा सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रायपुर में प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए प्रचार करेंगे और इस प्रचार में
आज आखिरी दिन है तीसरे चरण के चुनाव के लिए और इससे जाहिर है कि दोनों बड़े जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, जिनके बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए भरपूर प्रचार करेंगे और कई बड़े नेता जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तरीके नेता लोगों के बीच जाएंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे जबकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रायपुर में प्रचार करेंगे। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भी तूफानी चुनाव प्रचार दौरे पर रहेंगे क्योंकि ये आखिरी मौका है, आखिरी दिन है, आखिरी चरण है छत्तीसगढ़ के चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी प्रचार में आज पूरी ताकत झोंकेंगे। सीएम विष्णुदेव साय प्रचार करेंगे, दो जनसभाओं को सीएम साय संबोधित करेंगे और सूरजपुर जिला और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सीएम की जनसभाएं होनी है। रायपुर के एकात्म परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम साय करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों पर उनका फोकस रहेगा, किन विषयों को लेकर वे बात रखते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि सीएम भी आज अपने चुनाव प्रचार के शबाब पर होंगे क्योंकि आज तीसरे और आखिरी चरण, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन रह गया और उसके आखिरी कुछ घंटे बाकी हैं। आज शाम 5 बजे तक ये चुनाव प्रचार किया जा सकेगा जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पूरी ताकत झोंकेंगे। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए इनाम जीतने का एक शानदार मौका, देश प्रदेश और चुनाव से जुड़ी हर खबर देखने के साथ ही आप जीत सकते हैं बेहद खूबसूरत इनाम। करना सिर्फ आपको इतना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देना है। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए, सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब सवाल, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और इस तस्वीर को आपको पहचानना है कि आखिर तस्वीर में दिखाई दे रहे शख्स कौन हैं। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर को देख करके पहचानिए कि आखिर ये कौन है। अगर आप अभी नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपको एक संकेत दे देते हैं। दरअसल खेल विवाद पर पूरे साल ये चर्चा में रहे दबंग नेता हैं और जवाब आपको देना है। जवाब अगर आपका सही हुआ तो आपको मिलेगा एक शानदार उपहार। जवाब देने के लिए वही तरीका 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें या फिर QR कोड को स्कैन करके आप जवाब दे सकते हैं।